प्रिय मित्रों नमस्कार। श्री महाराणा प्रताप सिंह जी का जीवन परिचय। नाम कुंवर प्रताप जी, जन्म 9 मई 1540 ईस्वी, जन्मभूमि कुंबलगढ़ राजस्थान में, पुण्यतिथि 29 जनवरी 1597 ईस्वी। पिता का नाम श्री महाराणा उदय सिंह जी और माता का नाम रानी जीवत कंवर जी। राज्य मेवाड़, शासनकाल 1568 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक, शासन अवधि 29 वर्ष की, वंश सूर्यवंश, राजवंश है सिसोदिया। धार्मिक मान्यता हिंदू धर्म, युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध, राजधानी उदयपुर, पूर्वाधिकारी महाराणा उदय सिंह जी, उत्तराधिकारी राणा अमर सिंह जी। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो और लंबाई 7.5 फुट थी। 2 म्यान वाली तलवार और 80 किलो का भाला रखते थे हाथ में। महाराणा प्रताप के हाथी की कहानी इस प्रकार है। मित्रों, आप सबने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन उनका एक हाथी भी था जिसका नाम था रामप्रसाद। उसके बारे में आपको कुछ बातें बताता हूँ। रामप्रसाद हाथी का उल्लेख अल-बदायूनी, जो मुगलों की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा था, ने अपने एक ग्रंथ में वो लिखता है कि जब महाराणा प्रताप पर अकबर ने चढ़ाई की थी, तब उसने 2 चीजों को ही बंदी बनाने की मांग की थी। एक तो खुद महाराणा प्रताप और दूसरा उनका हाथी राम प्रसाद को बंदी बनाने की बात कही थी। आगे अल-बदायूनी लिखता है कि वो हाथी इतना समझदार व ताकतवर था कि उसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकेले ही अकबर के 13 हाथियों को मार गिराया था। वो आगे लिखता है कि उस हाथी को पकड़ने के लिए हमने 7 बड़े हाथियों का चक्कर भी बनाया और उन पर 14 मावतों को बिठाया, तब कहीं जाकर उसे बंदी बना पाए। अब सुनिए एक भारतीय जानवर की स्वामी भक्ति। उस हाथी को अकबर के समक्ष पेश किया गया, जहां अकबर ने उसका नाम पीर प्रसाद रख दिया। राम प्रसाद को मुगलों ने गन्ने और पानी देना की वो कोशिश की, पर उस स्वामी भक्त हाथी ने 18 दिन तक मुगलों का न तो दाना खाया और न ही पानी पिया और वहीं पर शहीद हो गए। तब अकबर ने कहा था कि जिसके हाथी को मैं अपने सामने नहीं झुका पाया, उस महाराणा प्रताप को क्या झुका पाऊंगा। इसलिए मित्रों, हमेशा अपने भारतीय होने पर गर्व करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।